फ्रेंड्स, मैं आपको एक यूनिक मेथड बताने वाला हूं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, इवन आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी याद नहीं है, या फिर आपको अपना जो है लर्निंग लाइसेंस का भी नंबर याद नहीं है, तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से यूनिक मेथड है, जेन्युइन है और ऑलमोस्ट हर स्टेट में काम करेगा। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बिहार का भी ऑनलाइन डाउनलोड करके बताऊंगा और ऑल स्टेट में भी जो मेथड काम करेगा उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड किया जाए अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी याद नहीं है तो। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर जो है परिवहन सर्च कर लेनी है। परिवहन जैसे ही आप सर्च करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएंगे। यहाँ पर आपका सामने जो पहला वेबसाइट आएगा, parivahan.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये जो URL है इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बेसिकली व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। तो हम बात कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज की, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप जो है sarthi.parivahan.gov.in की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे और यहीं से आपका आगे का काम होगा। डिपेंड करता है आपके स्टेट पे। कुछ स्टेट में जो है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट प्रिंट करने की सुविधा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह की बात करें, और कुछ स्टेट में डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने की सुविधा नहीं है, जैसे कि बिहार की बात करें। तो मैं बिहार से हूं, तो मैं बिहार में भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा और ऑल स्टेट में कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना जो है स्टेट सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार से हूं, मैं बिहार पर सिलेक्ट करता हूं। बिहार पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं बिहार परिवहन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा और यहां से ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज मेरे को देखने को मिलेगी। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस की। तो लर्निंग लाइसेंस रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम लर्निंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट DL की, ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड पे आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है और इसके अंतर्गत आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो ही ऑप्शन देखने को मिलता है DL एक्सट्रैक्ट रिप्रिंट और यहाँ पर जो है प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमें जो करना है प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे। प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो है एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर हमें चाहिए और उसके बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ तो आप सभी को याद होगा ही कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर की। तो ये एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को याद नहीं होगा, ये एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है। तो ये पेज आपका रहना चाहिए, एक टैब में से आप खोल के रख लीजिए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देना होगा। अब आते हैं इसी वेबसाइट पर वापस से जहां से हमने इस पेज को खोला और यहाँ पर जो है हमें ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस पे गए थे, तब जाकर ये पेज खुला था जिसमें हमें एप्लीकेशन नंबर देना है। अब बात करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर तो है नहीं, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो वापस से आना इसी वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको अदर सर्विसेज में आना है और अदर सर्विसेज में आपको यहाँ पर फाइंड एप्लीकेशन नंबर का जो लिंक देखने को मिलता है, ये अदर वाले लिंक के अंतर्गत आपको मिलेगा फाइंड एप्लीकेशन नंबर। इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप जो है ऐसे करके इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जिस RTO से आपने अप्लाई किया था वो RTO आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है DTO समस्तीपुर से किया था। अब DTO समस्तीपुर आने के बाद ये ऑटोमेटिकली कोड ले लेता है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, तो मैं अपना नाम जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम। यहाँ पर आपको अपना जो है मिडिल नेम दर्ज करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो है डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक दर्ज करिएगा और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद आपको सिंपली सेलेक्ट करना और फिर जो कैप्चा कोड आपको दिख रही है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो कैप्चा कोड काफी ध्यान से एंटर करिएगा। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और अगर आपका कैप्चा कोड यहाँ पर आ जाता है तो कैप्चा कोड एंटर करते ही यहाँ पर कुछ लोडिंग चलती है और लोडिंग आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो दो नाम है, एक इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस का है
और एक जो है इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का है। तो मैं तो डाउनलोड करना चाहता हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस के आगे गेट डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर दूंगा। गेट डिटेल्स के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके ये वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे नंबर पे जो है OTP आ चुका है और सिंपली हमें जो है ये OTP दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर हमें जो है OTP मिल चुका है, मैं इस OTP वाले कॉलम में OTP को दर्ज कर देता हूँ। OTP दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देनी होगी। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है पूरा प्रोसेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन नंबर मिल गया, इस एप्लीकेशन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे। और भी स्टेट में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस दिखेगा इस पर क्लिक करते ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार में ये जो फैसिलिटी है वो बंद है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन और स्टेट की अगर बात करें तो आपको जो है यहाँ से एप्लीकेशन नंबर मिल गया, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिल गया और इस लिंक पर क्लिक करते ही, जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको दिखता है उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ से नहीं डाउनलोड होता है तो सिंपली ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसे आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर वापस आ जाना है जहाँ से हमें एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा था। तो यहाँ पर हम जो है एप्लीकेशन नंबर अपना दर्ज कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करते हैं 2296। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर सबमिट करना है। सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका जो है DL प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे स्टेट के लिए यानी बिहार के लिए ये DL प्रिंट डाउनलोड ऑप्शन नॉट अवेलेबल है। तो ये तो रहा, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर सेम प्रोसेस आता है तो आपको अब क्या क्या मिल चुका है, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। तो दूसरा प्रोसेस से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरे प्रोसेस के लिए आपको अपने सिस्टम में या फिर मोबाइल में डिजी लॉकर पर जाना होगा। DIGILOCKER ये जो है डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है और यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है digilocker.gov.in का है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। वैसे अब जो है आप हमारे दूसरे वीडियो को देखकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको इसका जो है पूरा प्रोसेस मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के ऊपर। खैर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं उमंग ऐप चलाना और यहाँ पर जो है PUC RC वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है सब कुछ मैंने बता रखा था। तो डिजी लॉकर पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना साइन अप करना होगा। अगर आपने अपना अकाउंट बना रखा है तो सिंपली आपको साइन इन करनी होगी। साइन अप का प्रोसेस काफी आसान है। यहाँ पर मैं इसे जो अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉग इन करता हूँ और लॉग इन करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। सो जैसे ही आप अपने डिजी लॉकर को लॉग इन करेंगे यहाँ पर आपको जो है क्विक लिंक्स देखने को मिलेगा। क्विक लिंक्स में ही आपको जो है गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। चूंकि अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मौजूद है आप यहां से ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल यहां पर आपका मिनिस्ट्री सिलेक्ट रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट रहेगा, नाम रहेगा क्योंकि आपने डिजी लॉकर में प्रोफाइल बनाया, डेट ऑफ बर्थ रहेगा क्योंकि ये आधार कार्ड से फैच होता है। अब यहाँ पर आपको बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप कंफर्म करिए और गेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिए। गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं योर ड्राइविंग लाइसेंस इज सक्सेसफुली सेव ऑन योर इश्यूड डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इश्यूड डॉक्यूमेंट के कॉलम में चले जाना है। मोबाइल ऐप में भी लगभग सेम ही है, आपको सिंपली इश्यूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ पर हमारा जो ये PDF के फॉर्मेट में आ चुका है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है डाउनलोड होकर आ चुका है।
अब यहाँ पर इस ड्राइविंग लाइसेंस को मैं भारत में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हैं तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन भारत के हर एक राज्य में इसे वैलिड माना जाएगा और इससे आप कहीं पे भी ड्राइविंग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक वाला जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, ओरिजिनल वाला जो आपका खो गया, उसे कैसे मंगवाया जाए। अगर आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसके लिए वीडियो दे दूंगा और ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाइएगा और आपका ओरिजिनल वाला ड्राइविंग लाइसेंस बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करके दिखा दिया, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कैसे निकालेंगे, इवन लर्निंग लाइसेंस नंबर भी कैसे निकालेंगे, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। बिहार के अलावा और स्टेट में आप डाउनलोड कर पाएंगे डायरेक्टली परिवहन के वेबसाइट से। अगर आप बिहार में हैं तो फिर आपको डिजी लॉकर का सहारा लेना होगा और डिजी लॉकर से कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो इवन ये जो प्रोसेस है, ओवरऑल पूरा वीडियो जो है हमारा, वो हर एक स्टेट में काम करेगा। आप किसी भी राज्य से हैं, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो ट्रिक है, ये जो प्रोसेस है, आपके लिए कितना काम कर रहा है, काम कर भी रहा है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं या हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज सरकारीयोजना.com को फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडियाज के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इवन हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।